कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए पुलिस लाइन छतरपुर में तैयार किए गए अस्पताल का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक सागर अनिल शर्मा द्वारा पूजा अर्चना के पश्चात फीता काटकर नवनिर्मित पुलिस अस्पताल का लोकार्पण किया गया। अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन में पुलिस लाइन छतरपुर में 20 बेड का सर्व सुविधा युक्त प्राथमिक पुलिस अस्पताल तैयार किया गया है, जिसमें पुलिस विभाग के शासकीय सेवक कोरोना संक्रमित होते हैं तो उनका उपचार इस अस्पताल में किया जाएगा। पुलिस विभाग के अस्पताल के जीर्णोद्धार में विशेष सहयोग चौरसिया के पी फाउंडेशन नई दिल्ली का रहा। पुलिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे एक ट्रैक्टर एवं एक कंपाउंडर मौजूद रहेगा। साथ ही 10 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर, 5 व्हील चेयर ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर, पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर, थर्मामीटर सहित सामान्य मौसमी बीमारियों के इलाज हेतु मुफ्त दवाइयां, ब्लड प्रेशर की मशीन, ईसीजी मशीन सहित अन्य सुरक्षा उपकरण पुलिस अस्पताल में पुलिस जवानों की सेवा के लिए रखी गई है। इस अवसर पर आईजी अनिल शर्मा ने कहा कि चौरसिया केपी फाउंडेशन का अनुकरणीय योगदान है, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने कहा कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और ना ही ऐसा सोच कि आशा के बिना कर्म क्यों करूं। केपी फाउंडेशन नई दिल्ली का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा इस अवसर पर जिला कलेक्टर संदीप जी आर एवं आईजी अनिल शर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हॉस्पिटल पूर्व का बना हुआ था पुलिस लाइन में, उसका आज केपी फाउंडेशन के सहयोग से जीर्णोद्धार किया गया। उसमें 20 बेडेड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया गया है, उसमें नए कई और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिनसे आगामी कोरोना पीड़ित हमारे कर्मचारी यदि होते हैं तो यहाँ उनका इलाज किया जाएगा। निश्चित रूप से ये अस्पताल बहुत अच्छे रूप में तैयार किया गया है। सर, पुलिस के 2 जवानों को सम्मानित भी किया गया है, जो 1000 रुपये में पिछले दिनों लूट के आरोपियों को पकड़ा था। अभी 13 तारीख को पुलिस कोतवाली में एक लूट की सूचना प्राप्त हुई थी। एक महिला के ऑटो में बैठने पर उनके पास से मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उनका मोबाइल छीन लिया था। तत्परता से इसकी घेराबंदी की गई थी, जिसमें ट्रैफिक के 2 जवानों की भूमिका सराहनीय रही। उनके द्वारा उस बदमाश को पकड़ा गया, उसके पास से मोबाइल बरामद हुआ। उसको सूचना मिलने पर तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा 1000 रुपये का पुरस्कार उन दोनों जवानों को दिया गया। आज के कार्यक्रम में उन्हें भी सम्मानित किया। सर, क्राइम मीटिंग भी ली गई सर, कंट्रोल रूम में सर, क्या कुछ? छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट।